हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा दुबे और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल लेडर। आज हम देखने जा रहे हैं एवल ट्री, जिसे हम हाइट बैलेंस ट्री भी कहते हैं। एवल ट्री के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें बाइनरी ट्री के कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है, जिसे आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। आइए आज हम समझते हैं ये एवल ट्री या हाइट बैलेंस ट्री क्या होता है। दो रशियन मैथमेटिक्स थे जिन्होंने 1962 में इस एवल ट्री के कॉन्सेप्ट को दिया। इस एवल ट्री के कॉन्सेप्ट को बाइनरी ट्री को बैलेंस करने के लिए जनरेट किया गया या दिया गया। अब बात आती है बाइनरी ट्री में बैलेंस क्या चीज किया जाता है। जब हम किसी बाइनरी ट्री के लिए बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो बाइनरी सर्च ट्री का जो कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम एवल ट्री को भी तैयार करते हैं। बस अब हमें ये चीज ध्यान रखते हैं कि जो हमारा बाइनरी ट्री है वो बैलेंस हो। बैलेंस का तात्पर्य ये है कि माना कोई ट्री है जिसमें एक नोड है ए, यहाँ नोड है बी, यहाँ नोड है सी। अब अगर आपने आगे नोड बढ़ाते गए, यहाँ डी दे दिया, यहाँ एफ दे दिया, या आपने एक और ट्री ड्रॉ किया है, यहाँ आपने दिया है बी, यहाँ दे दिया सी, यहाँ दे दिया डी, यहाँ दे दिया ई। तो इस प्रकार से जो आप ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम सभी जानते हैं कि ट्री का एक लेफ्ट सब ट्री होता है और एक राइट सब ट्री होता है। तो ये जो लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री होता है, ये हैवी किसी एक ट्री का ज्यादा है लेफ्ट सब ट्री या फिर राइट सब ट्री ज्यादा है, तो ये लेफ्ट हैवी या राइट हैवी कहलाता है। तो इस प्रकार के ट्री में जो बैलेंस फैक्टर होता है, जिसे हम पार्ट बैलेंस फैक्टर, मतलब मैं आगे बताऊंगी आपको बैलेंस फैक्टर होता क्या है, इसमें जो बैलेंस फैक्टर होता है वो अधिक होता है, या इसमें राइट सब ट्री का बैलेंस फैक्टर अधिक है। तो इस प्रकार के ट्री को बैलेंस करने के लिए हमने एवल ट्री या हाइट बैलेंस ट्री के कॉन्सेप्ट को निकाला। तो फिर से, एवल ट्री एक ऐसा ट्री होता है जो कि किसी बाइनरी ट्री को बैलेंस करने के लिए जनरेट किया जाता है या यूज किया जाता है, और इसमें हम बैलेंस फैक्टर निकालते हैं। तो अगर हम एवल ट्री की परिभाषा को एक सही तरीके से समझना चाहे, तो एवल ट्री एक ऐसा ट्री होता है जिसमें सबसे पहले हम किसी भी ट्री का, कोई भी ट्री लेफ्ट हैवी कहलाता है, कोई भी एवल ट्री लेफ्ट हैवी कहलाता है यदि उसका जो लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ लेफ्ट सब ट्री, आप लेफ्ट सब ट्री का जो लॉन्गेस्ट पाथ कैलकुलेट करेंगे वो एक ज्यादा होगा राइट सब ट्री से। लॉन्गेस्ट पाथ, यदि लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ लेफ्ट सब ट्री इज वन लार्जर देन राइट सब ट्री, तो ये लेफ्ट हैवी एबल ट्री कहलाएगा, और यही राइट हैवी कब कहलाएगा? इफ लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ राइट सब ट्री इज वन लार्जर देन लेफ्ट सब ट्री। किसी भी एवल ट्री को परिभाषित करने के लिए हम उसका जो निम्न कुछ बिंदुओं को ध्यान रखते हैं या जिस पर आधारित होता है हमारा एवल ट्री, वो उनमें से पहला बिंदु ये है कि कोई भी एबल ट्री लेफ्ट हैवी कहलाता है यदि उसका जो लॉन्गेस्ट पाथ है लेफ्ट सब ट्री का वो एक ज्यादा होगा राइट सब ट्री से, और वैसे ही ये राइट हैवी कहलाता है यदि उसका जो लॉन्गेस्ट पाथ है राइट सब ट्री का वो एक ज्यादा होगा लेफ्ट सब ट्री से, और यही आपका बैलेंस कहलाता है। इफ द बोथ पाथ इज इक्वल, बैलेंस कब कहलाएगा? जब दोनों पाथ इक्वल हो, मतलब राइट सब ट्री और लेफ्ट सब ट्री दोनों ही बराबर हो। जैसे यहां पर हमने नोड बनाया, इसके एग्जाम्पल के लिए आप अगर लेफ्ट सब ट्री की बात करेंगे, तो माना एक नोड है ए और ये हो गया आपका बी,
तो यहाँ पर आपका ए और यहाँ बी में एक आपका क्या है, एक नोड है लेफ्ट में और राइट में नोड नहीं है, तो लेफ्ट में एक ज्यादा हुआ, राइट में एक भी नहीं, राइट में जीरो है और लेफ्ट में कितना है, एक है, तो एक ज्यादा हुआ तो ये लेफ्ट हैवी कहलाया। राइट हैवी के लिए अगर हम डायग्राम करेंगे, माना ये आपका नोड है राइट सबट्री में है और लेफ्ट सबट्री में कोई नोड नहीं है, मिनिमम तो यही हो सकता है, तो ये राइट हैवी कहलाएगा। और बैलेंस कब कहलाएगा, ये आपका एक नोड यहाँ है एक नोड यहाँ है, दोनों तरफ एक एक नोड है, तो यहाँ इसका पाथ भी वन हुआ, इसका पाथ लॉन्गेस्ट पाथ भी वन हुआ, मतलब ये दोनों क्या कहलाएगा, बैलेंस कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम एबल ट्री को परिभाषित करते हैं कि एबल ट्री तभी होगा जब वो राइट हैवी हो या लेफ्ट हैवी हो या बैलेंस हो, और जब वो बैलेंस होता है उसी समय हम उसका क्या निकालते हैं, बैलेंस फैक्टर निकालते हैं। तो यहां पर हम क्या निकालते हैं, हर एक ट्री में नोड को लेने के बाद आप ये देखते हैं कि आपका ट्री बैलेंस है कि नहीं, और बैलेंस निकालने के लिए हम उसका निकालते हैं बैलेंस फैक्टर। और ये जो बैलेंस फैक्टर बी एफ जो होता है वो होता है हाइट ऑफ लेफ्ट सबट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सबट्री। ये हम बैलेंस फैक्टर हर एक नोड को कंस्ट्रक्ट करने के बाद हम उसका बैलेंस फैक्टर निकालते हैं। और ध्यान रखें, ये जो बैलेंस फैक्टर की वैल्यू होती है ये हमेशा माइनस वन, जीरो और वन, ये तीन पॉसिबल वैल्यूज ही हो सकती है। अगर इन तीन पॉसिबल वैल्यूज को छोड़कर कोई वैल्यू है, दैट मीन्स आपका जो ट्री है वो बैलेंस नहीं है, उस केस में आपको ट्री को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये चीज हमको क्लियर हो गई, एबल ट्री या हाइट बैलेंस ट्री क्या होता है। एबल ट्री या हाइट बैलेंस ट्री एक बैलेंस ट्री को, बाइनरी ट्री को बैलेंस करने के लिए बनाया जाता है, और इसमें हम क्या करते हैं, ट्री को बैलेंस करते समय किसी भी एबल ट्री की परिभाषा के अनुसार आप उसे लेफ्ट हैवी या राइट हैवी या बैलेंस तीनों पोजिशन में रख सकते हैं। राइट हैवी होगा जब आपका राइट का हाइट जो है एक ज्यादा होगा लेफ्ट से, लेफ्ट हैवी होगा जब लेफ्ट की हाइट एक ज्यादा होगी राइट से, और बैलेंस होगा जब दोनों की हाइट बराबर हो। और ये जो बैलेंस होता है इसके लिए जो आप बैलेंस फैक्टर निकालते हैं उसका फॉर्मूला है हाइट ऑफ लेफ्ट सबट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सबट्री, और इसकी जो पॉसिबल वैल्यू है वो माइनस वन, जीरो और वन, इन तीन वैल्यूज के अलावा कोई चौथी वैल्यू नहीं होती। अब अगर आपने ट्री कंस्ट्रक्ट किया और कोई चौथा वैल्यू आ जाता है, मतलब आपका जो ट्री है वो अनबैलेंस्ड है, तो ऐसे अनबैलेंस्ड ट्री को, ये एबल ट्री नहीं हुआ क्योंकि एबल ट्री की परिभाषा को वो चरितार्थ नहीं कर रहा है, क्योंकि बैलेंस फैक्टर जो है माइनस वन, जीरो और वन के अलावा चौथी कोई वैल्यू जनरेट अगर होती है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं। ऐसे अनबैलेंस ट्री को हम बैलेंस करते हैं जिससे हर नोड का बैलेंस फैक्टर इन तीन वैल्यू के अलावा कोई चौथा वैल्यू ना हो। और ऐसे अनबैलेंस ट्री को बैलेंस करने के लिए हम इस एवल ट्री में या अनबैलेंस्ड एवल ट्री में रोटेशंस करते हैं। तो ऐसे अनबैलेंस्ड ट्री में हम करते हैं रोटेशन, क्या चीज करने के लिए, किसी अनबैलेंस्ड एवल ट्री को बैलेंस करने के लिए हम करते हैं रोटेशन। और ये जो रोटेशन होते हैं ये चार प्रकार के होते हैं, फोर टाइप्स ऑफ रोटेशंस होते हैं, जो कुछ इस प्रकार से है। एक पहला रोटेशन होता है एल एल, दूसरा रोटेशन, दूसरा होता है आपका आर आर रोटेशन, तीसरा होता है एल आर रोटेशन, और चौथा होता है आर एल रोटेशन। तो ये चार प्रकार के रोटेशन होते हैं, डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे या उस ट्री के कंस्ट्रक्शन पे कि किस प्रकार के रोटेशन को आपको करना है, या कैसे रोटेशन करके इन चारों में से कौन से प्रकार के रोटेशन से आप उस अनबैलेंस्ड ट्री को, एवल ट्री को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये जो रोटेशन होते हैं एल एल, आर आर, एल आर और आर एल, ये जो है एल एल स्टैंड फॉर लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन, आर आर स्टैंड फॉर आर राइट राइट रोटेशन, एल आर स्टैंड फॉर लेफ्ट राइट रोटेशन एंड आर एल रोटेशन स्टैंड फॉर राइट लेफ्ट रोटेशन। अब बात आती है एल एल आर आर,
एल आर आर एल है क्या। तो आइए समझते हैं, जैसे कि हमने जाना कि ट्री का एक लेफ्ट सब ट्री पार्ट होता है, किसी भी नोड का जो रूट नोड होता है उसके जो लेफ्ट पार्ट है उसे हम लेफ्ट सब ट्री और जो राइट पार्ट होता है वो राइट सब ट्री कहलाता है। तो जब किसी ट्री के लेफ्ट सब ट्री के लेफ्ट पार्ट में आप किसी नोड को रोटेट करते हैं लेफ्ट के लेफ्ट में, तो वो एलएल रोटेशन कहलाता है। मतलब आपको उस अनबैलेंस ट्री को बैलेंस करना है। अब अनबैलेंस ट्री को बैलेंस करने के लिए आप नोड को कहीं ना कहीं पर शिफ्ट करेंगे, तो या लेफ्ट सब ट्री में शिफ्ट करेंगे या राइट सब ट्री में शिफ्ट करेंगे। जब आप उस नोड को लेफ्ट सब ट्री में शिफ्ट कर रहे हैं और लेफ्ट सब ट्री में भी लेफ्ट के लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो एल एल रोटेशन कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से जब आप किसी ट्री के नोड को ट्री के राइट सब ट्री के राइट में शिफ्ट करते हैं, तो वो आर आर रोटेशन कहलाता है। आर आर राइट के राइट में। वैसे ही दो कॉम्बिनेशन है एल आर और आर एल, जो कि दोनों इमेज जैसे हैं, लेफ्ट के राइट के लेफ्ट में और लेफ्ट के राइट में। यहां आपने लेफ्ट के लेफ्ट में किया, यहां राइट के राइट में किया, अब आपने राइट के लेफ्ट में किया। राइट सब ट्री में ले जा रहे हैं, पर राइट सब ट्री में भी राइट के लेफ्ट में ले जा रहे हैं। ऐसा भी संभव है कि हम राइट के राइट में ही जाए, कोई जरूरी नहीं है, राइट के लेफ्ट में भी जा सकता है। सेम वैसे ही लेफ्ट के राइट में, लेफ्ट के लेफ्ट में तो जा चुके हैं इसके द्वारा, अब लेफ्ट के राइट में जा रहे हैं, तो अगर आपने नोड को लेफ्ट के राइट में शिफ्ट किया है तो वो आर एल रोटेशन कहलाता है। तो ये चार प्रकार के रोटेशन होते हैं जिनका यूज हम एवल अनबैलेंस एवल ट्री को बैलेंस करने के लिए करते हैं, और इस प्रकार से बैलेंस करते हैं। इन रोटेशंस को यूज करने के बाद जब हम उस ट्री के हर नोड का बैलेंस फैक्टर निकालते हैं, तो हम देखते हैं कि वो -1, 0 और 1 में से किसी एक वैल्यू को ही प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से किसी भी एवल ट्री को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं इन बातों को ध्यान में रखते हुए और इन रोटेशंस को उपयोग करते हुए। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि कैसे किसी एवल ट्री को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो इसके लिए मैं एक आपको एग्जांपल लेके समझाऊंगी, जिससे आपको ये और क्लियर हो जाएगा। किसी भी एवल ट्री का जो कंस्ट्रक्शन है उसका जो पहला स्टेप है, उस पहले स्टेप में सबसे पहले हम बाइनरी सर्च ट्री के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, जिसमें छोटा जो है लेफ्ट में और बड़ा जो है राइट में होता है। उसके बाद हम पहले स्टेप के बाद हम हर नोड का बैलेंस फैक्टर निकालते हैं, और इस बैलेंस फैक्टर को निकालते समय ही हम बैलेंस फैक्टर की जो पॉसिबल वैल्यूज है उन वैल्यूज को हम देखते हैं, और वो वैल्यू ना होने पर उसे हम फिर से बैलेंस करते हैं। आइए एक एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं। हमने एक वैल्यूज को कंसिडर किया है, जैसे 3, 5, 11, 8, 4, 1, ये कुछ हमने वैल्यू किया है, और इस वैल्यू को कंसिडर करने के बाद हम एक एवल ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो देखिए, जब आप एवल ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहला नोड है आपका 3 जो कि रूट नोड बन जाएगा। स्टेप नंबर 2, फिर आप किसे लेंगे, 5 को। बैलेंस ट्री सबसे पहले बैलेंस जो आपका बैलेंस सर्च ट्री है उसके कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे, पहला स्टेप ये होगा, उसके बाद बैलेंस फैक्टर निकालते हैं। तो जब आपने इसको किया, बैलेंस फैक्टर मतलब लेफ्ट सब ट्री का हाइट और पाथ और लॉन्गेस्ट पाथ और राइट सब ट्री का लॉन्गेस्ट पाथ, तो यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर लेफ्ट में भी कुछ नहीं है राइट में भी कुछ नहीं है, मतलब 0 - 0। बैलेंस फैक्टर का फॉर्मूला हमने देखा था, बी एफ बराबर हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। यहां हमारा लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री दोनों की ही हाइट जो है 0 है, तो 0 - 0 मतलब 0 हो गया। बैलेंस फैक्टर पॉसिबल वैल्यू क्या क्या है हमारी, 0 - 1 और +1, ये पॉसिबल वैल्यूज है, 0 आया चल जाएगा। नेक्स्ट अब आपको इंसर्ट करना है 5। जैसे ही आपने 5 को इंसर्ट करना है, तो आपने देखा 5 जो है वो बड़ा है 3 से, मतलब वो उसके राइट में जाएगा,
तो ये 3 हो गया और यहाँ आ गया 5। पहला स्टेप करने के बाद आप दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, इसके बैलेंस फैक्टर को निकालते हैं हर एक नोड के। यहाँ एक नोड था, एक नोड का निकाला, यहाँ दो नोड है, दोनों के निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने निकाला 3, 3 का लेफ्ट क्या है 0 और राइट क्या है आपका 1। लेफ्ट में एक भी नोड नहीं है, राइट में एक नोड है, तो मतलब बैलेंस फैक्टर हो गया 0-1 बराबर आपका -1। और 5 का क्या हो जाएगा, लेफ्ट में भी 0 है, राइट में भी 0 है, तो 0-0 बराबर 0। पॉसिबल वैल्यूज को कंसिडर कर रहा है, मतलब हमारा ट्री एवल ट्री है। और ये एवल ट्री में कौन सा एवल है, राइट हैवी, राइट हैवी की परिभाषा में, क्योंकि राइट का जो लॉन्गेस्ट पाथ है वो 1 मोर देन है लेफ्ट के लॉन्गेस्ट पाथ से। अब स्टेप नंबर थ्री में अब आपको इंसर्ट करना है 11। अब 11 को जब इंसर्ट करेंगे तो आप इसे कहाँ करेंगे 11 को, तो जब आप 11 को इंसर्ट करेंगे तो हम देख रहे हैं कि 11 जो है 5 से भी बड़ा है, मतलब 5 के राइट में जाएगा, 3 के भी राइट में जाएगा और 5 के भी राइट में जाएगा। तो ये 3 हो गया, ये 5 हो गया और ये 11। अब ये पहला स्टेप हुआ, इसी का दूसरा स्टेप क्या होगा, सभी नोड्स के बैलेंस फैक्टर निकालना। जब आप बैलेंस फैक्टर निकालेंगे तो लेफ्ट में क्या है 0, राइट में क्या है 2, तो 0-2 = -2। फिर यहाँ पर क्या हो गया, ये 5 एक नोड है और इसका जो लेफ्ट है वो 0 है, राइट जो है 1 है, तो 0-1 = -1। और इसका लेफ्ट और राइट दोनों 0 है, 0-0 = 0। जब हमने तीनों नोड के बैलेंस फैक्टर निकाले तो ये दोनों तो चल जाएगा, -1 और 0 वैल्यू पॉसिबल वैल्यूज है, पर ये जो वैल्यू आ रहा है ये पॉसिबल वैल्यू को मैच नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ हमारा जो एवल ट्री है वो अनबैलेंस्ड है। अब आपको यहाँ पर अपने ट्री को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो जब आप ट्री को बैलेंस करेंगे तो इसे आप कहाँ शिफ्ट करें, जो आपने रोटेशन देखा था, अभी हमने डिस्कस किया था 4 प्रकार के रोटेशंस, इनमें से कौन सा रोटेशन हम अप्लाई करें कि ये हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है 3, ये 5 से छोटी है, तो क्यों ना हम इसे 5 के कहाँ ले जाए, लेफ्ट में ले जाए। तो जब आप 5 के लेफ्ट में ले जाएंगे तो देखिए ये जो 3 के कहां पर है, ये राइट में है, और राइट के आप कहां ले जा रहे हैं, लेफ्ट में। तो आप कौन सा रोटेशन कर रहे हैं, राइट के लेफ्ट में जा रहे हैं, मतलब एल आर, राइट के लेफ्ट में एल आर रोटेशन। तो आप यहां पर कौन सा रोटेशन करेंगे, एल आर रोटेशन करेंगे। फिर से समझिए कैसे एल आर रोटेशन हो रहा है, आपको इस 3 को कहां ले जाना है, 5 के लेफ्ट में ले जाना है, और 5 3 के कहां पर है, 3 के राइट में है, और राइट के आप कहां ले जा रहे हैं, लेफ्ट में ले जा रहे हैं, मतलब राइट के लेफ्ट में। तो ये कौन सा रोटेशन हो गया, एल आर रोटेशन हो गया। तो आप एल आर रोटेशन करेंगे और ये जो फिगर है वो चेंज हो जाएगा 5 और यहां आ जाएगा 3 और यहां आ जाएगा 11। अब आप जब बैलेंस फैक्टर निकालेंगे 1-1 = 0, 0-0 = 0, 0-0 = 0, तो आपने ये देखा कि सभी का जो आपका बैलेंस फैक्टर है वो सही है। अब स्टेप नंबर 4, जब आप स्टेप नंबर 4 कर रहे हैं तो अब आपको इंसर्ट करना है 8 को। 8 को आप कहाँ इंसर्ट करेंगे, 5 से बड़ा है पर 11 से छोटा है, तो 11 के लेफ्ट में। तो ये 5, ये 3, ये 11 और ये हो गया आपका 8। बैलेंस फैक्टर निकालिए, इसका आप निकालेंगे 1-2, यहाँ पर लेफ्ट में 1 है और यहाँ पर 2 नोड है, तो 1-2 = हो गया आपका -1। इसका निकालेंगे तो 0-0 = 0, इसका निकालेंगे 1-0 = 1 और इसका निकालेंगे 0-0 = 0। हम देख रहे हैं कि सारी पॉसिबल वैल्यूज है। इसके बाद नेक्स्ट इंसर्ट करना है 4th को, स्टेप नंबर 5। जब आप 4 को इंसर्ट करेंगे तो ये ट्री तो आपका एज इट इज रहेगा ही, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 11 है, यहाँ 8 है। अब जब 4 इंसर्ट होगा तो 4 जो है 5 से छोटा है, मतलब यहाँ इस लेफ्ट सब ट्री में जाएगा, पर 3 से बड़ा है, मतलब वो 3 के कहाँ आ जाएगा, राइट में आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 4। इसमें जब आप फिर से हर नोड के बैलेंस फैक्टर निकालेंगे, 5 का निकालिए, 2 है 2-2 = 0, इसका आप निकालेंगे तो 0-1 = -1, इसका निकालेंगे 0-0 = 0, इसका निकालेंगे 1-0 = 1
और इसका निकालेंगे 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। तो हमने देखा कि सभी के जो नोट के जो बैलेंस फैक्टर है वो पॉसिबल वैल्यूज को ही कंसिडर कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको इंसर्ट करना है 1 को, स्टेप नंबर 6। जब आपने 1 को इंसर्ट किया तो 1 कहाँ आएगा, 5 से छोटा है मतलब 5 के लेफ्ट में आएगा, और लेफ्ट में भी 3 के लेफ्ट में, क्योंकि 3 से भी छोटा है। तो ये 5, ये हो गया 3, ये हो गया आपका 1, ये 4 पहले से था, यहाँ हो गया 11 और यहाँ पर हो गया आपका 8। अब आप फिर से क्या निकालेंगे, बैलेंस फैक्टर निकालेंगे। इसका हो गया आपका यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट पाथ है 1 2, यहाँ 1 2, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। 3 का जब निकालेंगे 1 1 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका निकालेंगे 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। इसका भी 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। इसका ना निकालेंगे तो आप 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, और इसका निकालेंगे 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से, और ये आपका एबल ट्री कंस्ट्रक्ट हो गया जो कि बैलेंस्ड एबल ट्री है, या हाइट बैलेंस ट्री, या इसे हम बैलेंस बाइनरी ट्री भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी भी एबल ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं, और एबल ट्री की परिभाषा के अनुसार उनके हर एक पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए किसी बैलेंस बाइनरी ट्री को हम बैलेंस करते हैं।